समझ सकते पंडित जी, हम समझ सकते कितना मुश्किल होगा ना आपके लिए उसको बर्दाश्त करना। आप ही क्यों, हम खुद ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, सौ बात की एक बात है, है तो वो ईशा का पिता ही ना, और जब ईशा उससे मिलना चाहती है तो हमारा हक नहीं बनता उस रोकने का, वो हक छीनने का। पता नहीं बच्चों के मुंह में माँ बाप इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं। दीपा, चाहे मैं अंकल आ रहा है 10 बजे, हमें आपसे कुछ बात करनी थी पापा। आज ईशा ने सुबह जो कुछ भी कहा वो सच नहीं है, राज सिर्फ दोस्त है। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा कि अगर वो सिर्फ एक दोस्त है तो उन्होंने हमारे लिए और ईशा के लिए इतना कुछ क्यों किया। इस सवाल का तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है, बस किया। पापा, आप भी तो कई बार बिना किसी कारण के बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना? प्लीज ट्रस्ट मी पापा। आई ट्रस्ट यू। कम से कम तुम्हारी अम्मा और हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार तो दिए ही हैं कि वो कभी झूठ की बुनियाद पर अपने किसी भी रिश्ते को खड़ा नहीं करेंगे। तुम्हें, हम दोनों को, या ईशा या किसी को भी अपने और राज के रिश्ते के बारे में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ईशा, are you sure तुम अपने पापा के साथ जाना चाहती हो? Of course, I have decided. मैं अपनी मम्मा का चेहरा और नहीं देख सकती। And I swear, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इतना ही प्यार करते थे तो तुम्हें छोड़ के क्यों गए वो ईशा? अब यह बताइए, जो भी जाने अनजाने में जो भूल हुई, गलती हुई उनसे, शायद ये प्रायश्चित था। दिया गुड़िया को, आज ही जा रही है ना, हम भी कितने बुद्धू हैं। चल बेटा, खुशी खुशी जा। ये भी तो देखो, हाँ दीपा, कितना बड़ा बवाल हुआ फिर भी पापा ने तुम्हें माफ तो किया। पराठे सफर के लिए, चाय बन रही पूरी। ये ईशा कहाँ है? वो काशी के घर गई है। तूने जाने दिया? हाँ माँ, उसे सच को फेस करना होगा चाहे वो कितनी तकलीफ दे। कैसे भैया, ऐसा है जो भी आपको पहली लड़की मिले ना, बिहार रचा डाल। और वैसे भी ईशा दीदी भी बुरी नहीं है। और कितनी बार कह चुके हैं बद्री, हम पूर्वी से प्यार करते हैं, ईशा से शादी नहीं कर सकते। अरे जल्दी दो ना। अरे कार है बम्पीलाट, कब से कह रहे हैं आंखों में साबुन चला गया है, पानी दो जल्दी दो ना। अरे
चुल्लू भर पानी क्या डूबने की खातिर दे रहे हो? गंगा मैया के शहर में पानी की इतनी कंजूसी। डालो और डालो। अरे अरे हाँ डालो। अरे अरे क्या कर रहे हो बद्री? हाँ डालो हमारे हाथ में बद्री। अरे खेल सूझ रहा है हाँ तुम्हें। कौन? गुपचुप रहती हूँ हरसू, नाम पुकारो तो उड़न छू। पूछो क्या? गुपचुप रहती हूँ हरसू, नाम पुकारो तो उड़न छू। पूछो क्या? आप सोचो सोचो। खामोशी, साइलेंस यार, जो हम दोनों के बीच में ना दो दिन से आ रखी है। मैं वो खामोशी तोड़ने आई हूँ काशी, मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। क्या? कब? आज, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में। आई जस्ट केम टू से गुड बाय टू बोथ ऑफ यू, तुम्हें भी और बद्री को भी। अभी दोपहर में ही फ्लाइट है मेरी। ईशा, हम भी छोड़ने चलें तुम्हें? नहीं काशी, तुम मेरे साथ आओगे ना तो मैं जा नहीं पाऊंगी, और मेरा जाना बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए भी, पूर्वी के लिए, अपने लिए। वैसे तो मुझे ये कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे और पूर्वी के लिए बहुत खुश हूं, बट वो तो झूठ होगा ना। आई जस्ट विश तुम उसे नहीं मुझे चाहते, बट इट्स ओके, जो होना होता है वही होता है। पूर्वी और हमारे बीच में दोस्ती ही है अभी, और हाँ लेकिन उम्मीद तो है ना कि किसी दिन ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। मेरे पास तो वो उम्मीद भी नहीं है। ईशा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि तुम्हारी थोड़ी तकलीफ कम हो जाए। Can I just hug you? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.